नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल चूल्हा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बनाएंगे बिल्कुल हेल्दी तरीके से बेसन का चीला। यह रेसिपी बहुत ही प्रोटीन रिच है और आपके डाइट के लिए बहुत ही अच्छी है। बेसन का चीला बनाने के लिए हमें सामग्री चाहिए 100 ग्राम बेसन, एक छोटा साइज प्याज जिसको हमने पहले से बारीक कट कर लिया है, आधा गाजर जिसको हमने पहले से कद्दूकस कर लिया है, एक छोटा साइज टमाटर जिसको हमने बारीक काट लिया है, दो हरी मिर्च जिसको हमने बारीक काट लिया है और नमक। और चीला बनाने के लिए हमें चाहिए घी। तो चलिए हम सभी चीज़ों का एक साथ मिक्स करेंगे। कटा हुआ टमाटर डालेंगे, कटा हुआ प्याज डालेंगे, कद्दूकस किया हुआ गाजर डालेंगे, कटी हुई मिर्ची डालेंगे, स्वाद अनुसार नमक। चलिए अब हम इन सभी चीज़ों को मिक्स कर लेते हैं। अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। तो चलिए अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल के पेस्ट तैयार करेंगे। अगर आपके पास और भी सब्जियां हैं जैसे शिमला मिर्च, पत्ता गोभी, तो उसे भी आप बारीक काट के डाल सकते हैं। हमें इसका बिल्कुल थिक पेस्ट बनाना है, इसलिए हम पानी धीरे धीरे डालेंगे और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब हमारा पेस्ट रेडी हो चुका है। तवा गर्म होने के बाद हमने इसमें घी डाल दिया है। आज हम बेसन के चीला को बिल्कुल हेल्दी तरीके से बनाएंगे, इसलिए मैं यहाँ पे घी का इस्तेमाल कर रही हूँ। आप चाहें तो तेल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और इस पेस्ट को इस तरीके से डाल के हम फैला लेंगे चम्मच की सहायता से। इस तरीके से छोटा छोटा हम चीला इसका तैयार करेंगे। गैस का फ्लेम हम चीला पकाते तक मीडियम ही रखेंगे। अब हमारा चीला का एक साइड पक चुका है, इसे हम पलट लेंगे और दूसरी साइड से भी पका लेंगे। हम इस चीला को इसी तरीके से हल्का हल्का दबाते हुए पकाएंगे ताकि अच्छे से पके। चीला बिल्कुल 2 मिनट में रेडी हो जाता है। बाकी के बैटर का भी हम इसी तरीके से चीला तैयार कर लेंगे। इस चीला को अब हम प्लेट में निकाल लेते हैं, बाकी चीला बना लेंगे। अब हमारा बेसन का चीला पूरी तरह से तैयार हो चुका है और सर्व करने के लिए रेडी हो गया है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिए।